बहुत फीलिंग अच्छा हो रहा था और इतना मतलब नींद भी नहीं आया रात भर जब से देखे टीम को। हमें दोस्तों के माध्यम से पता चला, एक दोस्त ने फ़ोन किया कि आप 45 लाख रुपये जीत गए हैं, तो हमें उसे बताया कि नहीं ये तो हो नहीं सकता। फिर हमने खुद से देखा तो हमें विश्वास हुआ कि हाँ जीत गया। हमने देखा तब तक विश्वास नहीं कि 45 है या 4-4.5 लाख रुपया है, तो हमें जब काउंटिंग किया तब पता लगा कि नहीं सेकेंड विनर हम ही हैं 45 लाख रुपये। बांग्लादेश भर से श्रीलंका का था एशिया कप जो लगा थे उसमें। पापा है जो मैनहारी का फेरी लेके घूमते हैं और माँ है जो घर के घरेलू काम करते हैं। और आप ये दुकान चलाते हैं ना, इसी में दिन भर बैठ के ही ड्रीम इलेवन या और कोई भी साधन। जोहार, मैं जबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज़ खजाना। डिजिटल दौर में लोग कई तरीके से पैसे कमा रहे हैं और पैसे जीत भी रहे हैं, खेल खेल में लोग पैसे जीत जा रहे हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक आपको एक शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो कोडरमा के एक युवा है जो रातों रात लाखपति बन चुके हैं। तो उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे इन्होंने ड्रीम इलेवन में 39 रुपये लगाकर लगभग 45 लाख रुपये जीत चुके हैं। इनका नाम प्रेम जी है, ये कोडरमा के एक युवा है और खेल खेल में ही रातों रात लाखपति बन गए हैं। सबसे पहले आपका बधाई हो। ठीक है, आप लोगों को भी सबको मेरे तरफ से बधाई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों हमें बोलने का मौका मिला है सब ठीक है। और बताइए, ये प्रेम जी एक दुकान चलाते हैं, दुकान में बैठ के ही ये अपना ड्रीम इलेवन लगाते थे और वहीं से जीते हैं। तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे हम लोग, कैसे लगाते थे टीम, कैसे प्लेयरों को सेलेक्ट करते थे, उसमें 11 प्लेयरों को चुनना होता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये जानना चाहूँगा, जब आप ये पता चला कि आप 45 लाख रुपए जीत गए, तो कैसा फीलिंग हो रहा था? तो बहुत फीलिंग अच्छा हो रहा था, इतना मतलब नींद भी नहीं आया रात भर जब से देखे टीम को। हमें दोस्तों के माध्यम से पता चला। हाँ, कैसे पता चला था? दोस्तों के माध्यम से, एक दोस्त ने फ़ोन किया कि आप 45 लाख रुपये जीत गए हैं, तो हमें उसे बताया कि नहीं ये तो हो नहीं सकता। फिर हमने खुद से देखा तो हमें विश्वास हुआ कि हाँ जीत गया। हमने देखा तब तक विश्वास नहीं कि 45 है या 4-4.5 लाख रुपया है, तो हमें जब काउंटिंग किया तब पता लगा कि नहीं सेकेंड विनर हम ही हैं 45 लाख रुपये। अच्छा, आपके घर में कैसा फीलिंग हुआ जब आप अपने घर में बताए होंगे? तो घर वाले तो बहुत खुश है, घर वालों को ये भी पता नहीं था कि ये इसमें पैसा लगाता है, घर वाला को भी सब कुछ मालूम नहीं था। नहीं मालूम था ना। कब से लगा रहे हैं आप ड्रीम इलेवन में पैसे? ये 2019 से लगा रहे हैं। 2019 से लगाता, इससे पहले भी कभी जीते थे? हाँ जीते थे, 8-9, 9.5 हज़ार रुपये पहले भी आया था, करीब 2019 में ही आया था, जबकि 10-15 मैच उस समय खेले थे। अच्छा। और आप जब ये मैच में लगाए थे, कौन सा मैच था जिसमें आप लगाए थे 49 रुपये? ये बांग्लादेश भर से श्रीलंका का था एशिया कप जो लगाए थे उसमें। बांग्लादेश और श्रीलंका, जो पिछला मैच श्रीलंका जीत चुकी है। हाँ जीत चुकी है, उसमें लगाए थे। तो कैसे रिसर्च करते थे, कौन प्लेयर को सेलेक्ट करना है, किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है? ओ, हम उल्टा सेलेक्ट करते थे, जो सभी लगाते उसमें हम कभी नहीं जाते थे, सब उल्टा। जो किसी को नहीं सेलेक्ट किया है उसी को वाइस कैप्टन रखना है, जो नहीं कोई चुना है मतलब कोई सेलेक्ट नहीं किया हम उसी को ज़्यादातर सेलेक्ट करते थे और अधिकतर पिच देखकर मैच लगाते थे। कितना पॉइंट आया था ओवरऑल आपका पूरे मैच में? वो 1132। बाप, 1132? हाँ 32। सबसे ज़्यादा पॉइंट किसने दिया था? डी सनाका था, 200 पॉइंट दिया था जो कैप्टन था मेरा। अच्छा, डी सनाका। कितने लोग उसको कैप्टन बनाए थे उस मैच में? कैप्टन लगता 0% था, वॉइस कैप्टन में कुछ आदमी थे, बाकी कैप्टन किसी ने लगता लगभग नहीं बनाए थे। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या करते हैं, थोड़ा बता सकते हैं? पापा है जो मैनहारी का फेरी लेके घूमते हैं और माँ है जो घर का घरेलू काम करते हैं। और आप ये दुकान चलाते हैं? हाँ, ना इसी में दिन भर बैठ के ही ड्रीम इलेवन या और कोई भी साधन ढूंढते हैं ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने का? ऑनलाइन साधन खाली ड्रीम इलेवन का ही था और ज़्यादातर माई इलेवन सर्कल, दो ही ऐप का है जो मेरे। दोनों में बेटर कौन है? अभी तक तो ड्रीम इलेवन ही बेटर है, ज़्यादातर टीम तो ड्रीम इलेवन में ही लगाए हैं, माई इलेवन सर्कल पर उतना लगाए नहीं। और कब तक पैसा आ रहा है आपका, प्रोसेस हो गया? वो प्रोसेसिंग में है सब, हमने विड्रॉल कर लिया लेकिन विड्रॉल पूरा तरह से हुआ नहीं, सब प्रोसेसिंग में भी। तो क्या कुछ करेंगे जब एकाएक आएगा 45 लाख, कुछ पैसे कटेंगे भी टैक्स के माध्यम से, तो क्या करना, क्या प्लान है आपका? अभी तो फिलहाल कुछ सोचे नहीं है, कुछ सोचेंगे उसके बाद ही कुछ आगे। कुछ अपने गार्जियन को गिफ्ट करने का प्लान हो? माँ बाप सब उसी का है ना, सब जो है उनके ही राय जो है उन्हीं के। हाँ उन्हीं का है, भले वो नहीं जानते हैं कि इस तरह के मैच में, लेकिन आप जान चुके हैं, अब जो है सब तो राय मशवरा जो भी है उन्हीं से सब मिलेगा।
तो ये देख लीजिए, यही दुकान है इनका, यही बैठ के ही ये दिन में अपना दुकान चलाते हैं और ड्रीम इलेवन पे, माई इलेवन सर्कल पे टीम लगाते हैं और उन्हीं से लखपति बन गए हैं रातों रात। तो एक बार दुकान भी दिखा दें अपना, क्या क्या बेचते हैं दुकान में आप? जो है सामने सब बच्चा उच्चा का है, पूरे है, बाकी घरेलू उपयोग में भी सामान आता है जो है, तेल वगैरह और सब बिस्किट विस्किट। तो क्या क्या लग रहा है कि और बेहतर तरीके से टीम बनाना है आपकी, अब क्या करना है आगे? फिलहाल अभी कुछ दिन के लिए बंद ही रखना है, बाकी तो लगाएंगे ही आगे। अभी क्या लग रहा है कि लोग जिस ड्रीम इलेवन में टीम लगाते हैं काफ़ी लोग हार जाते होंगे, उसमें जीतने का परसेंटेज बहुत कम माना जाता है, 0.111 में ही लोग हैं जो फर्स्ट रैंक पे आते हैं। तो क्या लगता है आप कैसे पहुँचे वहाँ तक, कैसे मतलब रिसर्च कैसे करते थे आप? रिसर्च ज़्यादातर हम किसी माध्यम से नहीं करते थे, थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देखे हैं, ज़्यादातर नहीं देखते हैं, और बाकी रिसर्च जो खिलाड़ी है उसी सबको पेज वगैरह में लिख कर, अच्छा, नाम पेज में हाँ लिख कर सेलेक्ट किया करते थे ज़्यादातर। कुछ दिन के बाद में तो छोड़ ही दिए थे पेज वगैरह में, जो था सेलेक्ट कर देना था अपने मन से। हाँ, ये इसमें कोई रिसर्च काम करता है या अचानक? नहीं, रिसर्च कोई काम नहीं करता है, सब उल्टा है, सब उल्टा लगाना पड़ता है। कौन का चल जाए कोई पता नहीं है, जिस पर नए विश्वास है उस पर लगाइए तभी कुछ हो सकता है। अच्छा। जिस पर ज्यादा विश्वास कीजिए वो कभी नहीं आपका दे सकता पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण भी कुछ लोग हैं, चलिए उन लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामचंद्र साहब। क्या लग रहा है, ये कौन लगते हैं आपके? भतीजा लगता है। भतीजा लगता है, वो रातों रात 45 लाख जीत चुके हैं ड्रीम इलेवन से, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत खुशी है, गाँव वाला खुशी है, बहुत खुशी है। एक गरीब आदमी का नसीब चमकता रहता करता अपना जिंदगी संवरता है, अच्छा इससे खुशी और क्या मिलेगा, बहुत खुशी बहुत है। तो देख सकते हैं उनके चचा जी हैं, बहुत खुशी हो रहा है उनको कि एक गरीब परिवार के लोग अगर एकाएक पैसे आते हैं तो उनकी जिंदगी में चलाने के लिए बसाने के लिए एक सहायता हो जाती है। और भी लोग हैं, उन लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है चचा आपका? सबसे पहले मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज हमारे प्रेम जी जो 45 लाख रुपये ड्रीम इलेवन में जो प्राप्त किया है, हम लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं इसके लिए, और इसके भविष्य में आने वाला और ऊंचा भविष्य उज्जवल हो, ताकि इस पैसे से अच्छा उपयोग कर सके और कुछ गरीब के ऊपर भी कुछ सहायता देने की ज़रूरत पड़े तो दे सकता है ना। जी जी, तो देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग आ गए हैं, एक बार कैमरा मैन से बोलूँगा उधर भी दिखा दें, लोग देख रहे हैं इनसे, अभी काफ़ी लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं और काफ़ी युवा भी इनसे प्रेरित हो रहे हैं और मैच में लगाने के लिए इनसे पूछ रहे होंगे, है ना? बहुत लोग आपको फोन करके पूछ रहे होंगे। हाँ, कि कौन सा टीम लगाए कैसा है। अधिकतर तो अभी ड्रीम इलेवन से ही मैसेज आ रहा है, जो उसमें चैटिंग है उसी से पूछता है, सब आइडिया पूछ रहे हैं, हमें अभी तक किसी को जवाब नहीं दिया कि किससे लगाना है ना लगाना, सब पे आप में डिपेंड है, आपका नसीब है, आप लगाइए आप जीतिए, हम थोड़ी ना सब चेंज कर सकते कि हम हर समय बताएंगे आप जीत ही जाइएगा, अपना लगाइए खुद से सेलेक्ट कीजिए। और आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग लगा रहे हैं अभी? हम लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर टीम ना लगाएं, ज़्यादा टीम लगाने से कंफ्यूज होता है आदमी, कंफ्यूज होने के बाद में आप किसी को बढ़िया तरीक़े से सिलेक्ट नहीं कर पाइएगा। हम यही बोलते हैं लास्ट 5 टीम लगाइए, 5 से अधिक नहीं लगाइए, 5 में ही देख लीजिए, उसी में आप ज़्यादा दिमाग लगाइए, या तो फिर ज़्यादा लगाइएगा फिर नहीं कुछ हो पाएगा, नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, 20-25 हो जाएगा। हाँ, 20-25 जो लगाने वाले हैं वो बिल्कुल ना लगाएं, 5 ही टीम लगाएं और 5 में ही देख लीजिए अपना जो हो सके, ताकि ज़्यादा लगाने से कोई फायदा नहीं। हम भी लगाते थे लेकिन बाद में हमने छोड़ दिया, नहीं 5 या 5 से बेसी नहीं। अभी पहले 20-25 बीस लगाए हैं, 5 में आ गए, 20 लगाते थे, 20 में कोई माइंड काम नहीं, सेटअप कुछ अच्छा नहीं, कैप्टन बनाना है वाइस कैप्टन बनाना, कोई माइंड सेटअप नहीं, किसी में एक ही टीम सेलेक्ट हो गया, कभी क्या कहें, दिक्कत बहुत दिक्कत होता है। तो इनका सजेशन है जो भी लोग लगा रहे हैं ड्रीम इलेवन में, खासकर मैं कहूंगा कि उसमें सावधानी से ही लगाएं, क्योंकि उसमें आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है, किसी को ज़्यादा लगाने के नहीं बता सकते। हाँ, तो आप अपने सावधानी के थ्रू ही लगाएं, अपने ऊपर लेके ही लगाएं, क्योंकि ड्रीम इलेवन है, इसमें जीतने के चांसेस बहुत कम होती है, तो हारने के चांसेस आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो देख सकते हैं ये प्रेम जी हैं जो 3 बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में, जो एशिया कप का भी मैच चल रहा है उसमें 45 लाख रुपये जीते हैं, और ये कोडरमा के एक युवा हैं और एक दुकान चलाते हैं, इनका दुकान भी यही है, और इनके घर वाले काफ़ी गरीब थे लेकिन इसके 45 लाख मिलने से काफ़ी सहायता होगी इनके और अपने आगे फ्यूचर के लिए बेटर करेंगे। और मैं दिखा दूं कि ये जो इनका दुकान है, यहीं बैठ के ही टीम रिसर्च करते थे, पेन पे कॉपी पे लिखते थे कौन किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है, पूरे रिसर्च के साथ इसी दुकान से ही 45 लाख रुपये जीते हैं। तो एक बार मैं फिर से बधाई दूंगा प्रेम जी को। धन्यवाद चैनल को और आप सभी को जो
में बोलने का मौका मिला। अब मेरे माध्यम से ये नहीं सब ज़्यादा टीम सेलेक्ट कीजिएगा, हम यही बोलेंगे कि पांचवी टीम सेलेक्ट कीजिएगा। ये नहीं कि सब पैसा इसी में इन्वेस्ट करना है, आपको अपना लाइफ देखते हुए इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, किस कोई भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, इनके बात को गौर करें। आप देख रहे थे द न्यूज़ खजाना। आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोहार।